हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा कंप्यूटर का जो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा कंप्लीट हो गया ना, आप सैकेंड चैप्टर बारे डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन की वरतों। स्ट्रिंग की होंगी है? एक स्ट्रिंग है जी कई करैक्टर का समूह होंगी है, मतलब कि करैक्टर से मिलकर की बनती है, स्ट्रिंग बनती है। स्ट्रिंग आम तौर पर टैक्सट से प्रक्रिया करने वरती जाती है। भी टैक्सट मतलब कि ए बी सी डी के डाटे दर किस्म की तरह स्ट्रिंग भी कॉन्सटेंट या वेरीएबल हो सकती है। ठीक है, स्ट्रिंग है जी डबल कोट्स के विजन के अंदर परिभाषित होंगी है। इस विच टैक्सट अखर न्यूमेरिकल अंक होर चिन्ह सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। सी प्रोग्राम स्ट्रिंग फंक्शन चलाने स्ट्रिंग डॉट एच हैडर फाइल वरती जाती है। ठीक है, स्ट्रिंग से कुछ प्रक्रियावान कीतिया जाएँ ने, जिमें स्ट्रिंग पढ़ना लिखना, एक स्ट्रिंग दूजे पर कॉपी करना, या स्ट्रिंग इकट्ठी करना, बराबरी करना स्ट्रिंगा की, स्ट्रिंगा उल्टा के लिखना, मतलब जिम्मे स्कूल लिखे स्कूल उल्टा के जिमें एल डबल ओ, इस तरह लंबाई स्ट्रिंग की मात्रा। ठीक है, अगे आ गया बेटा अपने को स्ट्रिंग इनपुट से आउटपुट। कहते गैट फंक्शन स्ट्रिंग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो मुक्त करती है। भी गैट फंक्शन इनपुट डिवाइस स्टैंडर्ड जी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस वो तो मतलब कि फ्री कर देती है, जबकि पुट्स फंक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस को फ्री करता है। ठीक है, स्कैनिंग फंक्शन की है प्रोग्राम जो स्कैनिंग फंक्शन की वरतों है, डाटा इनपुट या पढ़ने लिए की जाती है, इनपुट एंटर करने लिए वरतते हैं। ये कीबोर्ड तो लिखे सारे डाटे को पढ़ता है, जिमें अखर नंबर से होते हैं कीबोर्ड तो जो भी लिख रहे हैं। प्रिंट फंक्शन की होंगे बेटा, कहते सी प्रोग्राम में प्रिंट फंक्शन की वरतों डाटे आउटपुट करने लिए की जाती है। स्ट्रिंग को मोनीटर की स्क्रीन पर दिखाता ए टी ओ आई, ये स्ट्रिंग को इंटीजर वेरीएबल में बदलता, कादे में बदलता इंटीजर वेरीएबल। पुट्स फंक्शन की इसकी वरतों सी प्रोग्राम में आउटपुट देने लिए की जाती है बेटा। ठीक है, ये भी मतलब कि सारी स्ट्रिंग को मोनीटर की स्क्रीन पर दिखाता। गेट्स फंक्शन की वरतों कादे लिए करते बेटा, आप फंक्शन स्ट्रिंग को पढ़ने लिए वरत्या जाता है। यह स्कैनिंग फंक्शन की मुश्किलों को दूर करता है, क्योंकि स्कैनिंग की होंगे सिर्फ एट ए टाइम एक करैक्टर लेंदा, गिट्स फंक्शन की सारा मतलब कि सारी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग पूरी की पूरी ले लेंदा। ठीक है, इस तो बाद स्ट्रिंग के ऑपरेशन आ गए। सी भाषा में सनाक्त करते हैं कि स्ट्रिंग एक एरे की वक्री श्रेणी होंगी है, एरे की है जो एरे की इनपुट आउटपुट एक इकाई वजो वरतदा, खाली चिन्ह रही है समाप्त हो जाती है। तो ये कहते कुछ फंक्शन है, पहला जिम्मे गिट कैर बारे पढ़ते हैं। गिट करैक्टर ये स्टैंडर्ड इनपुट है। ठीक है, जिमें कीबोर्ड तो एक चिन्ह लैंदा, जो भी इसको कॉल किया जाता तो उसे चिन्ह फंक्शन के मुल वजो वापस उस जिड़े चिन्ह में मतलब कॉल की वापस भी भेजना पैदा होंगे जिन्होंने बुलाते हैं, तो यद एंड है जो स्लैश जीरो डाल हूँ। ठीक है, पुट कैर फंक्शन है, ये जो फंक्शन है बेटा एक समय से एक चिन्ह में लैंदा स्टैंडर्ड आउटपुट पर भेजता, इसलिए उपरोक्त प्रोग्राम एक चिन्ह पढ़ता इसको वापस लिखता। जोड़ा स्ट्रिंग कैट फंक्शन है बेटा अपने को, दो स्ट्रिंगा इकट्ठा कर देता। ठीक है, जिहड़ी पहली स्ट्रिंग दी हुई उहदे एंड दे विच दूजी जोड़ी जाती है, तो इहनूं स्ट्रिंग कैट कहा जाता है। स्ट्रिंग कंपेयर इहदे विच तुलना की जाती है, भी स्ट्रिंग दे विच इक्को जिहा करैक्टर यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, इस वक्त स्ट्रिंग अपर जे अपने कोल स्ट्रिंग छोटे अक्षरां च आ, भी ए बी सी दे छोटे अक्षरां दे विच आ, तो उहनूं वड्डे अक्षरां च बदल दिंदा। स्ट्रिंग लोअर फंक्शन का काम की है, ये इनपुट फंक्शन है, यह की करता है बेटा जे अपर केस वड्डे अक्षरां च दिता होया तो उहनूं की कर दिंदा है छोटे अक्षरां च बदल दिंदा, जिवें अपने कोल रैम राम लिखा वा तो छोटे अक्षरां दे विच की हो गया आर ए एम राम पै गया। ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स ये एक फंक्शन है, इसकी वरतों सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग में लिखे जा न्यूमेरिकल नूं उलटाउण लई कीती जांदी है, जिवें राज लिखा वा इत्थे जार बन गया, जे एक दो तीन चार लिखा वा चार तीन दो एक बन गया। अस्काई एक टेबल है जिस विच कीबोर्ड की सारी कीज अक्षर नंबर होर ए जेड खास चिन्ह नाल परिभाषित कीती, यह सारा टेबल हुंदा, इहनूं अस्काई बोलदे आ। अस्काई की फुल फॉर्म है बेटा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इनफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इनफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगे दे अभ्यास के प्रश्न उत्तर आ गए। खाली स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होंगी है बेटा? एक होंगी। ठीक है, हर स्ट्रिंग की समाप्ति डैश नाल होनी चाहिए है, नवी रेखा चिन्ह नाल। स्ट्रिंग को उलटाने लिए किहड़े फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता? स्ट्रिंग कोई नहीं है, ये कॉपी आ, लेंथ है, कंपेयर है, और रिवर्स फंक्शन की वरतों करते हैं। जे असी विचार करिए तो स्ट्रिंग का अलान करैक्टर एक्स टेन वजो होंगे, तो उस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी जो एक्स द्वारा सही तौर पर प्रबंधित की जाती है? नौ, क्योंकि जो दस आता साइज सही तो नौ होगा, क्योंकि लास्ट चिन्ह खाली होगी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से इनपुट फंक्शन बहु शब्दी स्ट्रिंग के लिए नहीं वरते जा सकते? स्कैनिंग स्कैनिंग सिर्फ एक लिए यूज किया जाता, बाले लिए ही यूज किया जाता। इन्हां विचों केड़ा सही है? जे असी लिखते हैं कि स्ट्रिंग कंपेयर केड़ा मुल वापस होंगे, जे आप कंपेयर की गल करिए सारे, क्योंकि जिदे विच आ लैस दैन ग्रेटर दैन दे साइन हो गए सारे ही मतलब कि आ जाएंगे। ठीक है, जेकर फंक्शन स्ट्रिंग कैट पहली स्ट्रिंग दूजी स्ट्रिंग लागू होंगे तो आदि कंटीक्यूट क्यों वापस करेगा, की वापस करेगा? स्ट्रिंग टू के एंड दे विच लिखूगा पहली स्ट्रिंग में, की करूगा? स्ट्रिंग टू के एंड च लिखी जाऊगी पहली स्ट्रिंग, सॉरी पहली स्ट्रिंग के एंड च लिखी जाऊगी, कि स्ट्रिंग टू।
ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੋੜੂਗਾ, ਜੀਰੋ ਮੋੜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ? ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਟੀ ਓ ਆਈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਹ ਸਟੋਰਟੀ ਆ, ਆਹ ਆਲ ਆਫ ਡੀਜ਼, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਏ ਟੀ ਆਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਐਰੇ ਦੀ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ, ਕਾਪੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਆ, ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਨਲਿਖਤੀ ਉੱਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਸੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਐਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕਰੈਕਟ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਕਰੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ਆਹ ਦੋ ਸਪੇਸਾਂ, 13, 14, 15 ਅਤੇ 1, 16, ਟੋਟਲ 16 ਵਾਪਸ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰੰਭੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਕਰੈਕਟਰ ਨੇਮ ਦਿਸ ਵਨ, ਕੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਾ /0। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਲਈ 10 ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਐਰੇ ਐਕਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਸ 10 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਸ 10, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਗੈਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੈਟ ਕੈਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਐਰੇ, ਐਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਡਬਲ ਕੋਟ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਅੱਖਰ, ਨੁਮੈਰੀਕਲ, ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਡੋਟ ਐਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ /0 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਉਨੀ ਹੀ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰੈਕਟਰ ਨੇਮ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੋਟਲ 3 ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ REM ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਾ, REM 3 ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲਾਸਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ, ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ? ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ। ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਰੇ ਦਾ, 50 ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਜ਼ ਐਂਟ ਕਰਤਾ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਕੈਰ ਐਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸੀਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਐਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੈਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈਂਥ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਲੰਧਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ਟੋਟਲ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਫ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੈਨਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੈਨਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕੈਨਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਟਸ ਅਤੇ ਪੁਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟਸ ਅਤੇ ਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨਫ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10, ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਸਪੇਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਹਦੀ ਸਿਟੀ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। 1 ਔਰ ਮੋਰ ਬਲੈਂਕਸ ਆਊਟਪੁੱਟ
एक तो डबल कोमिया च ए बनता एक सिंगल कोमिया चा जी डबल कोमिया चा उन्होंने स्ट्रिंग बोलते हैं जी सिंगल चुनू कॉन्सटेंट स्ट्रिंग में सी प्रोग्राम में डबल चिन्ह नाल इनिमिलाइज इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है डबल नाल कॉन्सटेंट में सी प्रोग्राम में सिंगल कोट चिन्ह नाल इनिशियलाइजेशन की जा सकती है पुट कैर से पुट्स फंक्शन की अंतर है पुट कैर बेटा पुट कैर है जिहड़ा इस विच कहिंदे एक समय से एक चिन्ह नूं ही आउटपुट में लिया जाता है सिर्फ एक चिन्ह नहीं आता इस विच पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाती है इस विच केवल टैक्सट डाटा शामिल होंदा इहदे विच न्यूमेरिकल चिन्ह ते टैक्सट डाटा आप शामिल कर सकते हैं स्ट्रिंग डाटे के इनपुट आउटपुट की अदायगी वरते जाने वाले फंक्शन की सूची दिखाओ इनपुट में स्कैन एफ गैट्स किट कैर यूज करते हैं आउटपुट के प्रिंट एफ पुट्स ते पुट कैर यूज करते हैं प्रोग्राम को सही करके परिणाम लगो बेटा जिहड़े डबल कोट्स लगे हुए हैं यदि जगह पर आप ऑपरेटर यूज करा लैस दैन का ग्रेटर दैन का ठीक है दोनों चे लगावे मेन लगा के मेन नाल वॉयड मेन लगेगा ब्रेस शुरू करा फिर करैक्टर सटिंग टाइप है वो आप सटिंग पास करती आई लाइक सी ठीक है सटिंग कॉपी करके सटिंग आप हैलो ये ऐड करनी है ठीक है सटिंग यदि कॉपी करके हैलो की है इस तो बाद प्रिंटेप के सटिंग ही इन्होंने सीधी प्रिंट करवाती गलत हो गया तो इतने परसेंटेज एस ना पास किया क्योंकि डाटा टाइप आप करैक्टर यूज कर रहे हैं सटिंग आप पास करवाई है इस तो बाद की किता बंद करके फंक्शन आउटपुट की आ जूगी अपनी हैलो आ जूगी क्योंकि आप आई लाइक सी दे कॉपी करता कि हैलो हैलो आ जाए अपना तो हैलो अपने को आंसर है शो हो जूगा निम्नलिखित को लागू करके एक्स का मुल की होगा इंट जे एक्स वाई बराबर दस आ ठीक है तो जैड के आप ए स्टोर कर रहे हैं करैक्टर टाइप ठीक है एक्स के एक्स इज इक्वल टू वाई के प्लस किया कि आप जैड तो यह मुल कि हो गया एक्स सत्त हो गया ठीक है सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग में इनिशियलाइजेशन करने के लिए चिन्ह वरतते हैं डबल कोमे वरते जाते हैं बेटा चिंग स्ट्रिंग के चिन्ह की गिनती लिए कि फंक्शन की वरतों करते हैं आप स्ट्रिंग लेंथ की वरतों करते हैं सी प्रोग्राम में कॉन्सटेंट को किवें प्रदर्शित किया जाता सिंगल कोमे च स्ट्रिंग में इंटीजर में बदलने लिए कि फंक्शन वरत्या जाता है ए टी ओ आई फंक्शन सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग के अपर केस और लोअर केस में बदलने लिए फंक्शन की वरतों स्ट्रिंग लोअर से फंक्शन करते हैं वरतों करते हैं इसका नतीजा की है स्ट्रिंग जो कॉपी करनी है फर्स्ट कंप्यूटर स्ट्रिंग कॉपी दूजी करनी है एजुकेशन दोनों का कट्ठा आप शो करना कट्ठे करने कंटिकेट करने हैं तो कंप्यूटर एजुकेशन की होगी कट्ठा उस फंक्शन का नाम दसो जो केवल एक ही स्ट्रिंग डिस्प्ले करता फुट्स फंक्शन सिर्फ एक डिस्प्ले करता स्ट्रिंग रिवर्स का नतीजा की हो एजुकेशन का यदा उल्ट ई मूहरे आ एन मूहरे आ गई फिर ओ आज फिर आई फिर टी फिर ए सी ठीक है यू डी स्ट्रिंग में खाली चिन्ह किए प्रदर्शित किए जाते हैं स्लैश जीरो ना सी भाषा में हरेक प्रोग्राम डैश न शुरू होंगे हैश इनक्लूड न शुरू होंगे ठीक है इस तो बाद आ गया बेटा अपने को बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न गिट कैर से पुट कैर में आता जो गिट कैर है एक इनपुट फंक्शन है पुट कैर एक आउटपुट फंक्शन है इस स्ट्रिंग कॉल किया जाता ये स्ट्रिंग पढ़िया जाता ठीक है इस खाली अखर स्लैश जीरो वापस मोड़ता इस अखर आउटपुट में मोड़ता ये अखर आउटपुट में मोड़ा जाता इस स्लैश जीरो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैर फंक्शन की काम करता दो स्ट्रिंगों आपस में जोड़ता है पहली तो बाद दूजी जोड़ी पैंती है सी प्रोग्राम स्ट्रिंग संभालने के लिए फंक्शन वरते जाते हैं जिमें लेंथ कंकर्टिकेट करना कंपैरिजन करना ठीक है चेंज केस लोअर तो अपर अपर तो लोअर स्ट्रिंग की कॉपी करना स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन बारे दसो इसकी वरतों स्ट्रिंग के चिन्हों उलटाने लिए होंगी इसकी वाक रचना स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग जिमें रिवर्स की होगी स्कूल की आउटपुट की हो जूगी मतलब कि एस एंड पर चला जाओ एल हो रहा जाए उल्टा के गल छोटे उत्तर वाले प्रश्न स्ट्रिंग लिए सी प्रोग्राम में वरते जाने वाले इनपुट फंक्शन बारे दसो इनपुट फंक्शन बेटा जिम्मे स्कैन एफ ये भी एक इनपुट फंक्शन है इसकी वरतों स्ट्रिंग में मौजूद एक अखर को पढ़ने लिए की जाती सिर्फ मतलब एक थान पर एक अखर ही एक तो वह अखर नहीं पढ़ सकता जो तो खाली थान लिखी तो यह उत्तर पढ़ना रोक देगा भी वो इनपुट नहीं करता बेटा गेट्स एक इनपुट फंक्शन है इसकी वरतों सारी स्ट्रिंग में कॉल की जाती ये स्कैन एफ वन खाली थान नहीं छड़ता प्रिंट एफ आ जरा प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है इसकी वरतों स्ट्रिंग में कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने लिए की जाती है पुट्स स्ट्रिंग में पढ़न से भेजने के काम ना स्ट्रिंग में पढ़ता ना ही अगे भेजता कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने लिए पुट्स फंक्शन में भेजा जाता सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग की संभाल वरते जाने वाले फंक्शन के वक् वक् स्ट्रिंग के जिम्मे कॉपी लेंथ कंकर्टिकेट करना कंपेयर करना सब स्ट्रिंग कॉपी पहला स्ट्रिंग की लेंथ की गल करते हैं इसकी वरतों स्ट्रिंग के चिन्ह की गिनती पता करने की जाती है जिम्मे एग्जाम्पल स्ट्रिंग जिम्मे लेंथ राम राम के टोटल किन्ने करैक्टर है एक दो तीन स्ट्रिंग कैट इसकी वरतों दो या दो तो वह स्ट्रिंगों को जोड़ने लिए की जाती है बेटा जिम्मे राजेश इन पूरा किया राजेश वाली स्ट्रिंग कंपेयर इसकी वरतों दो या दो तो वह स्ट्रिंगों की तुलना करने लिए की जाती है इस नतीजे में तीन मुल जिम्मे ये कि एक दो तीन तीन मुल है ठीक है एग्जाम्पल स्ट्रिंग ए ए स्काई कोड में ए का 65 मुल है तो दूजा छोटे 97 है
ए दे विचों जेकर आप ए छोटी ए कटाई 65 कटाई माइनस 28 हो गया तो आउटपुट स्ट्रिंग कंपेयर की बन जूगी माइनस, क्योंकि ए मतलब ए दे मैच है जरा नहीं करता। ठीक है, ए आ गया रिवर्स, ये स्ट्रिंग के चिन्ह को उल्टा के करके दिखाता गा, जिमें रिवर्स के काजल लजा के लिखा गया, लो स्ट्रिंग लोअर, इस स्ट्रिंग के चिन्ह को अपर केस को लोअर केस में बदलना, बड़े बड़े अक्षरों को छोटिया चेंज कर दें, जिमें कृष्णा बड़े दिता छोटिया चेंज करता, स्ट्रिंग अपर इस स्ट्रिंग के चिन्ह को लोअर केस अपर केस में चेंज कर दें, छोटिया दिता तो उन्होंने कहते बढ़ता है बड़े इस तरह। ये बेटा थोड़ा जो सैकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, जी ये कोई भी प्रॉब्लम लगती तो मैंने दोबारा पूछ लियो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।